बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑन द डिम ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है. इफ़ टेन ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई प्रूव दैट. इसमें तीन पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स कॉट टू अल्फा इज इक्वल टू वन. सेकेंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई कॉट हाइपरबोलिक टू बीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. थर्ड पार्ट है एक्स कॉट हाइपरबोलिक टू अल्फा प्लस वाई कॉट हाइपरबोलिक टू बीटा इज इक्वल टू वन. तो यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि ये कॉट हाइपरबोलिक है या जो है ओनली कॉट टू अल्फा. तो ये कॉट टू अल्फा है. इसे करेक्शन कर लेंगे. करेक्शन हमने कर दिया है. अब सवाल की शुरुआत करते हैं. हमें जो गिवन वैल्यू है उसको देखना है. हम उसी के यूज़ से ये तीनों पार्ट प्रूव करेंगे. तो जो गिवन वैल्यू है उसको लिख लेते हैं. टेन अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. और इसको हम इक्वेशन नंबर वन डाल देते हैं और कंजुगेट प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ करेंगे. तो वाई कंजुगेट प्रॉपर्टी से हम लोग ये कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर आई है वहाँ पर उसके साइन को चेंज कर दें. अगर प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, या प्लस है तो माइनस कर देंगे जहाँ जहाँ पर और जितनी बार भी है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में. इसे इक्वेशन नंबर टू. इसे एक इक्वेशन से हमने दो इक्वेशन बना लिए. अब हम कॉट ट्वेल्व अगर फाइंड करना चाहें तो शुरुआत करेंगे हमारे पास जो वैल्यू है उससे, यानी टेन ट्वेल्व से, क्योंकि टेन से हम कॉट बना सकते हैं. और टेन टू अल्फ़ा को लिखा जा सकता है. देखिए इन दोनों को अगर ऐड किया जाएगा तो ये अल्फ़ा प्लस आई बीटा में जब ऐड होगा अल्फ़ा माइनस आई बीटा तो ये हमको मिल जाएगा, क्योंकि आई बीटा से आई बीटा कैंसिल हो जाएगा और टू अल्फ़ा हो जाएगा. इसे ए समझें उसको बी समझें. टेन ए प्लस बी की आइडेंटिटी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे. टेन ए प्लस बी की आइडेंटिटी को यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं. यानी वैल्यू फार्मूला आपको पता होगा. टेन ए मतलब ये वैल्यू अल्फ़ा प्लस आई बीटा प्लस टेन बी मीन्स अल्फ़ा माइनस आई बीटा अपान फार्मूला होता है वन माइनस टेन अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा प्लस टेन ए मतलब टेन अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू टेन बी. बी मीन्स अल्फ़ा माइनस आई बीटा. अब इक्वेशन नंबर वन और टू से इनकी भी वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देंगे. तो ये वैल्यू हो जाएगी टेन टू अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये वैल्यू थी इक्वेशन नंबर वन से वैल्यू पुट कर दे रहे हैं. आप लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू. हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं क्योंकि इस क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा काफ़ी वीडियो. तो एक्स प्लस आई वाई और आप लिख दीजिएगा यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू यहाँ साइड राइट हैंड साइड में. ब्रैकेट ओपन करेंगे, आई वाई प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा. तो टेन टू अल्फा इज इक्वल टू ये एक्स एक्स टू एक्स हो जाएगा. अपान में देखिए एक ब्रैकेट में ऐड हो रहा, दूसरे ब्रैकेट में सब्सट्रैक्ट हो रहा. तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि एक्स का स्क्वायर कर लेंगे और आई वाई का स्क्वायर कर लेंगे और देखेंगे ये 2x तो न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर आई का स्क्वायर करेंगे. आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा. और अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस कॉट की जो वैल्यू है उसे लिखा जा सकता है वन अपान कॉट टू अल्फा इज इक्वल टू टू एक्स अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अब इसको अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो इसका वन में इंटू होगा राइट हैंड साइड में, तो ये वैल्यू हो जाएगी वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर राइट हैंड साइड में. टू एक्स इंटू कॉट टू अल्फ़ा हो जाएगा. और अगर इसको ट्रांसपोज कर दें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इस तरफ, सिर्फ वन बचेगा तो वन को हम राइट हैंड साइड में लिख देंगे. तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसके साइन भी प्लस का, टू एक्स कॉट टू अल्फ़ा इजिकल टू वन आ गया. इससे हमारा ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट प्रूव्ड. तो अब हमें सेकंड पार्ट की तरफ चलना होगा. सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए जैसे अभी चल रहा था ये यहाँ से फर्स्ट पार्ट था. अब हमने टेन टू अल्फ़ा बाकी तो दोनों में कॉमन हो जाएगा. अगर हम सेकंड पार्ट की तरफ प्रूव करना चाहते हैं हमें शुरुआत करनी होगी टेन टू आई बीटा से. टेन टू आई बीटा को लिखा जा सकता है अल्फ़ा प्लस आई बीटा और फिर माइनस अल्फ़ा माइनस आई बीटा, क्योंकि ब्रैकेट ओपन जो होगा अल्फ़ा से अल्फ़ा की सेल टू टाइम्स आई बीटा हो जाएगा. इसमें ए और बी मानते हुए टेन ए माइनस बी की आइडेंटिटी जब अप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी टेन ए माइनस टेन बी अपान में हो जाएगा वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, यानी अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू टेन अल्फ़ा माइनस आई बीटा. और ये वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ये
एक्स प्लस आई वाई और माइनस एक्स माइनस आई वाई अपान वन प्लस एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस का आई वाई हो जाएगा, अपान में एक ब्रैकेट में जोड़ रहा दूसरे में घट रहा तो एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा और आई वाई का भी होल अब स्क्वायर हो जाएगा। आई एक्स प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये टू टाइम्स हो जाएंगे आई वाई अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है जो प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो ये टेन हाइपरबोलिक टू आई बीटा के बराबर अभी चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। अब इसमें हम टेन हाइपरबोलिक में अगर आई आता है तो ये मतलब यहाँ पर यहाँ पर आई जब है यहाँ पर एंगल में ओनली टेन था, टेन के एंगल में आई है तो आई को ख़त्म होकर हाइपरबोलिक बदल जाएगा और आई बाहर भी आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में होगा। फार्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है, तो इसको हम लिख नहीं रहे, ऐसे ही अप्लाई कर दे रहे हैं, यही फार्मूला है। यानी आई बाहर आ जाता है और टेन जो सर्कुलर फंक्शन है वो हाइपरबोलिक फंक्शन में बदल जाता है, यानी टेन टू बीटा और वहाँ से आई ख़त्म हो गया एंगल से। राइट हैंड साइड में ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ओपन हो चुका सॉरी, तो ये टू आई वाई के बराबर चल रहा है अपान में ब्रैकेट तो अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई से आई लेफ्ट और राइट का कैंसिल कर सकते हैं और फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसे लिख सकते हैं कि इसको इसे पहले हम कॉट में बदल लेंगे टेन को, यानी टेन को लिख जा सकता है वन अपान कॉट हाइपरबोलिक टू बीटा इज इक्वल टू और यहाँ पर ये टू वाई अपान बचा हुआ है वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिलेगा हमें वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई कॉट हाइपरबोलिक टू 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 बीटा और इसको उधर ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में जीरो छोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को पहले लिख लें फिर इस टर्म को लिखेंगे माइनस हो जाएगा टू वाई इंटू कॉट हाइपरबोलिक टू बीटा इज प्लस का वन राइट हैंड साइड में जीरो। इसे इक्वेशन नंबर हम डाल दीजिए फोर और इससे पहले जो इक्वेशन आया था यानी पार्ट जो फर्स्ट प्रूफ हुआ था उसे इक्वेशन नंबर हम डाल देते हैं थ्री क्योंकि वन टू पहले हो चुका था और यहाँ पर हमारा ये सेकंड पार्ट जो है वो प्रूव्ड हो चुका है। अब थर्ड पार्ट के लिए हम लोग यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। थर्ड के लिए हमें इक्वेशन नंबर जो थर्ड है उसमें से इक्वेशन नंबर फोर को माइनस कर देना चाहिए तो इक्वेशन नंबर थर्ड को यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स कॉट टू अल्फा राइट हैंड साइड में वन था, इक्वेशन नंबर थ्री है ये देख लीजिएगा लिख दीजिएगा। इक्वेशन नंबर फोर के लिख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई कॉट हाइपरबोलिक टू बीटा और प्लस का वन राइट हैंड साइड में जीरो, इसे इक्वेशन नंबर फोर डाल देंगे। जब हमने माइनस करने को बोला तो नीचे वाले जो टर्म्स हैं उनके साइन जो भी हैं वो चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऐसे वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का हो चुका है वो भी प्लस का था, यानी टू एक्स कॉट टू अल्फा प्लस का टू वाई कॉट हाइपरबोलिक टू बीटा और ये माइनस का वन हो गया है और राइट हैंड साइड में ये प्लस का वन में से जीरो माइनस होगा तो वन आ जाएगा। इस वन को उधर ट्रांसपोज करेंगे, इन दोनों में से टू कॉमन ले लेंगे तो एक्स कॉट टू अल्फा प्लस वाई कॉट हाइपरबोलिक टू बीटा और ये वन उधर जाके प्लस होके वन वन टू हो जाएगा। टू से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा एक्स कॉट टू अल्फा प्लस वाई कॉट हाइपरबोलिक टू बीटा इज इक्वल टू वन, ये हमारा प्रूव हो गया यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वा आखरुद्दावाना अलहमदिल्लाहि रब्बिल आलमीन।